नमस्कार दर्शकों, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को पूजा अर्चना करके प्रसन्न किया जाता है। मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी का होता है। इस दिन उन्हें लौंग, इलायची, सुपारी, पान का बेड़ा अर्पित करना चाहिए, साथ ही गुड़ चने का प्रसाद, लड्डू, केसर, भात, इमरती, रोटी या फिर रोट का भोग लगाना चाहिए, पंचमेवे का भोग लगाना चाहिए, चमेली का तेल और फूल समर्पित करने चाहिए। साथ ही सिंदूर, ध्वज, जनेऊ, लाल चंदन में केसर डालकर अर्पित करने चाहिए, चोला आदि से उनका श्रृंगार करना चाहिए और आटे के दीपक जलाकर उनकी पूजा और आरती करनी चाहिए। आइए जानते हैं क्या है आटे के दीपक के फायदे। किसी भी प्रकार की साधना को सिद्ध करना हो और सफलता प्राप्ति के लिए आटे का दीपक बेहद ही शुभ माना जाता है। उसमें बत्ती लगाकर उसे प्रज्वलित करके हनुमान मंदिर में विधि पूर्वक पूजन करने से आपके समस्त दुख दूर होते हैं, शीघ्र ही मनोकामना की पूर्ति होती है। आइए जान लेते हैं आटे के दीपक कैसे प्रज्वलित करना है, कब प्रज्वलित करना है और कितने प्रज्वलित करना है। यदि आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, आप कर्ज में डूब चुके हैं, तो आटे के 5 दीपक आप बना लें। उसमें आप चमेली का तेल डालें और पांचों दीपक को 5 पीपल के पत्तों पर रख दें। पांचों पीपल के पत्तों पर रखे हुए दीपकों को हनुमान मंदिर ले जाएं और हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें। ऐसा करने से शीघ्र अतिशीघ्र आपका कर्जा उतर जाता है, साथ ही लक्ष्मी धन आने के मार्ग भी खुल जाते हैं। शनिवार और मंगलवार को यह उपाय बहुत ही सिद्ध कारगर हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि शनिवार और मंगलवार हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं अगर उनकी सेवा कर ली जाए तो, और शनि की बाधा को भी दूर कर देते हैं क्योंकि हनुमान जी शनि के परम मित्र हैं। यदि आप किसी संकट से घिरे हुए हैं तो हनुमान जी के मंदिर में बढ़ते क्रम में आटे के दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। पहले मंगलवार या पहले शनिवार को 1 जलाइए, फिर अगले मंगलवार या अगले शनिवार को दूसरा 2 दीपक ले जाइए। ऐसे करते करते 11-21 दीपक तक आप जलाना शुरू कर दीजिए। देखते ही देखते आपकी मुसीबतें दूर होती चली जाएंगी, साथ ही आप पर जो संकट चल रहे हैं शीघ्र अतिशीघ्र निपट जाएंगे। जैसे कि कोर्ट कचहरी वाले संकट होते हैं कई लोगों पर, जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, ग्रह कलेश, ऐसे बहुत से संकट आ जाते हैं जिनके लिए आटे का दीपक बहुत ही सिद्ध कारगर हुआ है, क्योंकि हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही आप पान का बेड़ा भी अर्पित करें। आटे के 5 मुखी दीपक बनाकर सरसों के तेल से भर लें, उसे हनुमान मंदिर में रखाएं शनिवार या मंगलवार के दिन, तो आपके मंगल दोष भी दूर हो जाते हैं। मंगल दोष को दूर करने के लिए यह उपाय सर्वार्थ सिद्ध हुआ है, आप इस उपाय को अवश्य कर लें। और आपको और भी उपाय जानने हैं तो हमारे चैनल से जुड़िएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक दोस्तों को, फैमिली को, ताकि वे भी इन उपायों को कर पाएँ, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर पाएँ। हमारे चैनल पर बहुत से उपाय डले हुए हैं, उन्हें अवश्य देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हनुमान। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।